हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं आपका मनपसंद खाना इडली, पर ये रेगुलर इडली बिल्कुल नहीं है, थोड़ा हटके है, क्योंकि मुझे आपका ख्याल है। तो चलो देखते हैं क्या हटके इंग्रेडिएंट्स है इस इडली में। मैं देख रही हूँ कि आजकल जो भी लोग वेजिटेरियन होते हैं उनका सोर्स ऑफ प्रोटीन कुछ ओनली दालें होती हैं, तो हम ये सब यूज़ करके आज इडली बनाने वाले हैं। ओके, तो चलो इंग्रेडिएंट्स क्या है देखते हैं। ये है उड़द दाल, मसूर दाल, ये है मूंग दाल, चना दाल और तूर दाल। इसमें डिफरेंट डिफरेंट मात्रा में प्रोटीन्स है और इसके अपने कुछ अलग ही न्यूट्रिशंस होते हैं, पर सभी न्यूट्रिशंस हमें पाने के लिए हमें सभी दालें लेनी है, पर सभी डाले 3/4 कप लेनी है। उसके बाद हम ले रहे हैं ये मेथी दाना। मेथी दाना भी बहुत अच्छा है इंग्रेडिएंट है ये, इससे दिस इज़ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद हम ले रहे हैं इडली रवा, ये फुल बाउल लेना है आपको। ओके, तो ऐसे ये सब इंग्रेडिएंट्स लेने हैं। अब क्या करना है, जो भी दालें हैं आपको करनी है। ओके, पानी लेके उसमें पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लेके सोक करना है। देखिए यहाँ पे मैंने सोक किया है के करके रखा है, और देखिए ये मेथी दाना भी बहुत अच्छी तरह भीग चुका है। तो उसके बाद ये मैंने अलग कटोरी में अपना जो इडली रवा है वो भी सोक करके रखा है। तो मैं अभी क्या करती हूँ, ये मिक्सी में डाल के हम बैटर बनाएंगे। जब बैटर करते हैं तब हम थोड़ा हरा धनिया, थोड़ा 1 इंच ऑफ अदरक, 2 to 4 ग्रीन चिलीज, ये हम डाल रहे हैं स्वादानुसार। हम अदरक डाल रहे हैं क्योंकि दालें और डाइजेशन के लिए थोड़ा हेवी होती है, तो एक साथ सभी डालें तो थोड़ा अदरक से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी तरह वर्क हो पाता है। तो चलो देखते हैं, ये जब मिक्सी में डाली थी तभी मैंने ये चीज़ें डाली थी। ओके, ये ओवरनाइट सोक करने के बाद इन द मॉर्निंग व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड लिटिल बिट, दिस इज पिंक सॉल्ट यू कैन से, थोड़ा सा सॉल्ट डाला है मैंने इसमें, और जो ये भिगोया हुआ मिक्स कर रहे हैं जो मैंने बैटर बनाया था। मेनली कैसे है, देखिए ये जो हम ओवरनाइट रखते हैं या कुछ फर्मेंटेशन के लिए रखते हैं, ये क्यों रखते हैं हम, क्योंकि जब फर्मेंटेशन का एक प्रोसेस होता है उसमें प्रोबायोटिक एंजाइम्स अपने आप तैयार हो जाते हैं, और ये गट सिस्टम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेड फूड्स हमें थोड़े थोड़े इंटेक करने हैं क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी तरह वर्क हो पाए। देखिए मैंने ये पूरा बैटर तैयार किया है। तो इडली के लिए ना कंसिस्टेंसी आप देखिए, कंसिस्टेंसी इतनी चाहिए। ओके, और हम रेगुलर इडली जैसे करते हैं वैसे ही बनाते हैं। तो मैं ये करती हूँ और आपको दिखाती हूँ एग्जैक्टली हाउ इट लुक्स। चल देखते हैं। तो ये प्रोटीन इडली तैयार है। ओके, इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन है और ये टेस्टी भी है। देखिए ये आप ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हो या सॉस के साथ खा सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। अगर आपको डिनर स्किप करना है तो डिनर स्किप करके सिर्फ इसका मज़ा ले सकते हो। अदरवाइज इफ़ यू वॉन्ट टू पुट इट इन लंच, यू कैन टेक इट एज ए लंच, और ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हो। देखिए मैं टेस्ट करके देखती हूँ।
सॉफ्ट भी है। क्या सुपर यम्मी। ट्राई टुडे। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, कीप वर्किंग आउट, कीप फिट एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।